हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर रिवाइजिंग ऐसे 550 द रिलेटेड पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी डिफाइंड अंडर रेलिवेंट एफ आर एफ इन द इंडिया इन दिस कंटेक्स द पार्टी इज डिफाइंड अंडर एस एएस एस एटीन एस एटीन डिफाइन द रिलेटेड पार्टी इफ एफ आर एफ नॉट डिफाइन द रिलेटेड पार्टी और रिक्वायर द मिनिमल रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी देन दिस एसे डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी द रिलेटेड पार्टी मीन्स इफ ए पर्सन और एंटिटी हैविंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी Then the such entity or person shall be the related party of the reporting entity. The so vice versa second, if reporting entity having the significant influence or control over the other person or entity either directly or through one or more, then the such other person or called the related. And the third is the if the reporting entity and the other entity having the कॉमन ऑनरशिप ऑनर आर द क्लोज फैमिली मेंबर एंड द कॉमन की मैनेजमेंट एंड द सच एंटिटी और पर्सन इज ऑल द रिलेटेड बट इफ द एंटिटी इज ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो लोकल गवर्नमेंट हो गवर्मेंट हो कॉमन कंट्रोल हो फिर भी उसे रिलेटेड पार्टी कंसीडर किया एक्सेप्ट इफ देर इज ए सिग्निफिकेंट शेयरिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर दो स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइजेस के बीच में अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज की सेरिंग हो रही देन सच स्टेट कंट्रोल बी इंटरप्राइजेल अदरवाइज ओनली कॉमन कंट्रोल होने से या कॉमन ऑनरशिप होने से स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइजेस को रिलेटेड पार्टी नहीं नॉर्मली अगर रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजेक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं एज पर नॉर्मल टर्म्स होते हैं ऑर्डिनरी टर्म्स में तो कैरी लेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एज कंपेयर टू द ट्रांजेक्शन विथ अनरिलेटेड पार्टी बट वेयर एस इफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दैन मे कैरी द हायर रिस्क ऑफ मटेरियल तो सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने के तो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच गिव राइज टू हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो उसमें आपको तीन मेन की वर्ड से इस पॉइंट को याद रखने होंगे द फर्स्ट वन इज द रिलेटेड पार्टी मे ऑपरेट एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप विथ ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द ऑफ तो बेटा जितना ज्यादा रिलेशनशिप अगर एक्सटेंसिव नेचर का होगा कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा लाइक ए बी की होल्डिंग है बी सी की होल्डिंग है सी डी की होल्डिंग है डी ने एक ट्रस्ट बनाई है अब उस ट्रस्ट के थ्रू ए का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज होते जाएगी जितने ज्यादा एक्सटेंसिव रिलेशनशिप यहाँ पर देखिए ए लिमिटेड की बहुत एक्सटेंसिव रिलेशनशिप है ए का बी के साथ रिलेशन है बी का सी सी के साथ डी का और डी का उस ट्रस्ट के साथ रिलेशन तो अगर जितनी कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव रिलेशनशिप होगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे जिससे कि हायर रिस्क रहेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेकेंड वन इज द कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी के यहाँ जो सिस्टम बना है लाइक like कंपनी के यहाँ कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए कोई सिस्टम नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी इन इफेक्टिव टू आइडेंटिफाई समराइज डिस्क्लोज द ट्रांजेक्शन बिटवीन द एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इन इफेक्टिव हो सकता है टू आइडेंटिफाई समराइज डिस्क्लोज द ट्रांजेक्शन एंड थर्ड इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मे नॉट बी कंडक्टेड एज पर दर्म्स नॉर्मल कोर्स ऑफ टर्म नॉर्मल मार्केट दैट मीन्स आर ब्लैंक प्राइस पर नहीं हो रहा है मार्केट प्राइस पर नहीं हो रहा है तो ये तीन रीजन लिख कर आइएगा जिसकी वजह से हायर रिस्क बढ़ जाता है पहला रीजन क्या बोलेंगे सभी लोग एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स रिलेशन सेकेंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी इन इफेक्टिव एंड थर्ड वन इज कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में नॉट बी कैरी ऑन नॉर्मल मार्केट टर्म्स ड्यू टू विच चांसेस इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस सिस्टम थर्ड क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर इस एफ आर एफ में स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल यस एटीन स्पेसिफिकली रिक्वायर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डिस्क्लोजर के बारे में टू इनेबल द यूजर टू अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड इफेक्ट इन द फाइनेंस अगर एफ आर एफ में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन और उनके बैलेंसेस के बारे में तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है टू आइडेंटिफाई असेस एंड रिस्पॉन्स टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम द एंटिटी फेलर टू अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर और डिसक्लोज द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस इन अकॉर्डेंस विद अपीकेबल एफ आर एफ ऑडिटर को आइडेंटिफाई uh, करना होगा असेस करना होगा और रिस्पांस देना होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजिंग रिलेटिंग टू मैनेजमेंट फेलवर टू आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर और डिस्कलोज द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन और इन अकॉर्डेंस विद अपिकेबल एफ आर एफ और अगर भले ही एफ आर एफ रिक्वायर नहीं करता या मिनिमल रिक्वायरमेंट करता है रिलेटिंग टू मतलब न के बराबर रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रिलेटेड पार्टी के बारे में फिर भी ऑडिटर को ऑडिटर नेवर लेस नीड टू ऑपटेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन जिससे ऑडिटर एबल हो सके टू कंक्लूड करने में वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सो फार एस अफेक्टेड बाय दोज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन अचीव ए ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन एंड नॉट मिस इन एडिशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन इज रेलिवेंट टू द ऑडिटर इवेल्यूशन ऑफ One or more fraud risk are as by the क्योंकि फ्रॉड इजी वे में किया जा सकता है थ्रू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर अगर मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत हैवी वैल्यू के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रिलेटेड पार्टी के साथ तो बेटा यहाँ पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर रहेगा क्योंकि फ्रॉड ईजी वे में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द एंटिटी टू कमिट द टू मैनेजमेंट टू कमिट द फ्रॉड फ्रॉड करने की ऑपरचुनिटी प्रोवाइड करता है ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन होती है देर इज ए अन अवॉइडेबल रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर इवन दो ऑडिट हैज बीन प्रॉपरली परफॉर्म इन अकॉर्डिंग्स विद इन दिस कंटेक्स रिलेटेड पार्टी में पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट आर सिग्निफिकेंट आर ग्रेटर अपन इन्हर लिमिटेशन चैप्टर वन में भी पढ़ते हैं उसमें अदर मैटर है इन्हरेंट लिमिटेशन का उसमें एक पॉइंट आता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप में इनहरेंट लिमिटेशन अधिक होती है ऑडिटर हो सकता है उसमें गलतियों को डिटेक्ट ना कर पाए हाउ ऑडिटर को फाइनली ऑडिटर को ऑडिट अपनी प्लान और परफॉर्म करनी इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोफेशनल स्केपेटिज तो बेटा रिस्पॉन्सिटी हमको यही लिखना है कि अगर एफ एफ में स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट दी गई है तो ऑडिटर को एविडेंस लेना होगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उसमें कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है मैनेजमेंट फेल तो नहीं हो गई आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज करने में है ना उसके बारे में ऑडिटर को रिस्क का आइडेंटिफाई असेस रिस्पांस देना होगा और अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एफआरएफ में फिर भी ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कंक्लूड करने के लिए कि उन रिलेशनशिप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट तो कर रहा है नॉट मिसलीज और फर्दर अंडरस्टैंडिंग लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर इंस्पेक्शन कर लेने चाहिए विच मे प्रोवाइड द ऑडिटर इंडिकेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन विज द मैनेजमेंट फेल टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज हो सकता है कि मैनेजमेंट कभी कभी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई ना कर पाए डिस्कलोज ना कर पाए तो ऑडिटर को कुछ डॉक्यूमेंट जरूर इंस्पेक्शन कर लेने चाहिए टू आइडेंटिफाई एंड टू आइडेंटिफाई एंड अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ओमिशन ना हो रिलेटेड पार्टी के बारे में तो यहाँ पर हमको कुछ डॉक्यूमेंट जरूर इंस्पेक्शन करने चाहिए जिससे कि हमको ऐसी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो जाए जो मैनेजमेंट फेल हो गई हो आइडेंटिफाई करने में एंड डिसक्लोज करने में लाइक फर्स्ट इज द कि एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न हो गया इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द एंटिटी टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक कंपनियों को रिलेटेड पार्टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी होती है लिस्टेड कंपनियों को ऑडिटर को वो इन्फॉर्मसन रीड करनी चाहिए शेयर होल्डर रजिस्टर जिससे पता चल जाए कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन है प्रिंसिपल शेयर होल्डर स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टी सी डब्ल्यू जी मैनेजमेंट लोगों को टी सी डायरेक्टर लोगों को अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स उनका अदर एंटिटी में अदर कंपनियों में क्या क्या इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करना होता है वो उन कंपनियों को डिस्क्लोज करते हैं डायरेक्टर लोग तो जो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा अपना डिस्क्लोजर का वहाँ से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिल, मिल सकती है रिलेटेड पार्टी के बारे में रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड से लाइक सब्सिडरी कौन है एसोसिएट कौन है जॉइंट वेंचर ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट के साथ जो हुए होंगे उसको ज़रूर रीड करना चाहिए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए लाइक कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन लाइक कंपनी का कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है डेट का रीस्ट्रक्चरिंग इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन इसमें हो सकता है रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो नेक्स्ट वन इज सर्कुलर ट्रांजेक्शन सर्कुलर ट्रांजेक्शन का मतलब सेल और रीपर्चेज आज ही मैंने आपको सेल किया और आज ही मैं आपसे रीपर्चेज कर रहा हूं उसी गुड्स को सेल और सर्कुलर ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसे सर्कुलर ट्रांजेक्शन नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वूज टर्म्स हैज़ बीन चेंज बिफ़ोर इट्स एक्सपायर जिसके टर्म्स को चेंज कर दिया गया है बिफोर इट्स एक्सपायर उसकी एक्सपायरी से पहले उसके टर्म्स को चेंज कर दिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वो टर्म्स हैज़ ट्रांजेक्शन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हुए हैं जिसके टर्म्स को चेंज कर दिया गया बिफोर लाइक हैवी डिस्काउंट कंपनी ने किसी पर्टिकुलर कस्टमर को बहुत एब नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ किया हैवी डिस्काउंट अलाउ करना हैवी डिस्काउंट अलाउ करना अपने कस्टमर को लाइक ट्रांजेक्शन जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन इन्वॉल्व है नो एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन नो एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन ये सभी एग्जाम्पल है फाइव एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जिसको आपको याद रखना है बेटा सी डी ई सी डी ई सी टू डी सी का मतलब है कॉम्पलेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन सेकेंड सर्कुलर ट्रांजेक्शन थर्ड इज द कॉन्ट्रेक्ट ट्रांजेक्शन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वूस टर्म्स हैज बीन चेंज बिफोर इट्स एक्सपायरी नेक्स्ट वन इज द हैवी डिस्काउंट कंपनी ने एब नॉर्मल डिस्काउंट दिया है एंड नेक्स्ट इज द नो एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर नो एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन कंपनी ने सर्विस तो दी है लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी

अगर ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन अगर ऑडिटर को मिलते हैं तो ऑडिटर वाट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए कि क्या उसमें कोई ट्रांजेक्शन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है क्या उस ट्रांजेक्शन में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो इन्वॉल्व नहीं है तो अगर ऑडिटर को ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई होते हैं तो ऑडिटर को तीन काम करने होंगे ऑडिटर को तीन मेन काम करने होंगे ऑडिटर को तीन मेन काम करने होंगे फर्स्ट इज द ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग इंस्पेक्शन करना है उस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ ना उसको एक बार रर, उसको इंस्पेक्ट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्या बिजनेस की रियलिटी को देखते हुए बिजनेस राशनल सजेस्ट दैट वेदर द वेदर द सर्च ट्रांजेक्शन वेयर एंटर फॉर द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या उस ट्रांजेक्शन की जो ट्रांजेक्शन के टर्म्स को देखते हुए क्या ये सजेस्ट हो रहा है क्या कि वो ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लाइक प्रॉफिट को कम ज्यादा करने के लिए या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को करने के लिए हुआ है क्या एंड सेकेंड वन इज द ऑडिटर मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन लेगा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट को क्यों किया गया आप रीजन बताइए और देखिए मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं वेदर इट्स कंसिस्टेंट विद द अंडरलाइन डॉक्यूमेंट मतलब एग्रीमेंट से कंसिस्टेंट है कि नहीं जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है नेक्स्ट इज द कि उस दशन को प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड डिसक्लोज किया गया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर अप्लीकेबल एफ आर एंड लास्ट वन इज द कि उस दशन को प्रॉपर है है अप्रूव किया गया कि कि नहीं तो बेटा ये ये पॉइंट याद रखने होंगे ये भी एग्जाम का क्वेश्चन अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ़ में अगर ट्रांजेक्शन तो को सबसे पहले उन कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करना होगा एग्रीमेंट को पूरी डिटेल में इस रीडिंग करनी होगी और ये देखना करना होगा वेदर बिजनेस वास्तविकता को देखते हुए नेक्स्ट इज द वेदर सच ट्रांजेक्शन हैज बीन अप्रोप्रिएटली अथोराइज एंड अप्रूव नेक्स्ट वेदर है सच ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड एंड डिस्लोज़ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज द कि ऑडिटर को देखना होगा कि वेदर मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है